बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई रेसिपी और नई सुबह के साथ मैं हाजिर हूँ जी। मैं आज बनाने जा रही हूँ संडे स्पेशल रेसिपी, क्योंकि संडे वाले दिन सभी माशाल्लाह घर में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घरों में रौनक लगी होती है। तो बहुत स्पेशल सी रेसिपी जो है मैं वो बनाने जा रही हूँ, और बहुत आसान भी है, आप घर में बनाएं। और मैं आपको बताती हूँ कि बनाना कितना आसान है, आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने हर चीज़ रेडी करके सामने रखी है। और मैं बताती हूँ आपको मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत थी। तकरीबन 1 kg मेरे पास चिकन था। चिकन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बोनलेस ही हो, क्योंकि मुझे इसकी यखनी चाहिए। यखनी जो है वो बोनलेस की तो नहीं बनती, इसलिए हड्डी वाला गोश्त होना ज़रूरी है। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। अगर आपके पास रोस्टेड चिकन घर में पड़ा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, तो यखनी तो मस्ट है। साथ मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, और मेरे पास प्याज है, एक प्याज है, बड़ा प्याज था उसको मैंने चॉप कर लिया है, और ओरिगेनो है वो मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। साथ मेरे पास यखनी है, 1 कप मेरे पास दूध है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और 2-3 टेबलस्पून मेरे पास मक्खन के हैं, और साथ मेरे पास हैं जो ख़ास चीज़ है मेरे पास है, ये देखें मशरूम्स हैं, इनको मैंने कट कर लिए। 1 प्याली मेरे पास मशरूम्स हैं, ये बाज़ार में ये टिन जो है वो इजीली मिल जाते हैं, और साथ मेरे पास है गाजर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, और मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस है, और राइस जो है ये पड़े हुए हैं, ये देखें आपके सामने, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। जगह जो है सामने वो दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखें मैंने इनको बॉयल कर लिया, थोड़ा सा मैंने इनके ऊपर कलर फेंका था कलर देने के लिए, ताकि मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे थे, इस वजह से। आपका दिल करे तो आप करें, दिल ना करे तो आप बेशक ना करें। और बहुत आसान है, मैं चीज़ें ज़रा साइड पे करती हूँ, और चिकन को मैं क्रश कर लूँ अच्छी तरह हाथों से, इसके रेशे कर लूँ, तो फिर मैं मिलती हूँ। जब तक मैं आऊँगी तब तक प्लीज़ लाइक का बटन तो दबाना बनता है। इतने ज़बरदस्त राइस बनाने जा रहे हैं, और जितने नए देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चले मैं चिकन को क्रश करती हूँ। ओके जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को मैंने कर लिया है, और ये जो मसाले मेरे पास पड़े हैं ये भी आपको नज़र मैं बताती हूँ। मेरे पास अजीनोमोटो है, अजीनोमोटो नहीं है आपके पास तो, जैसे मैं कहती हूँ कि चिकन पाउडर है तो वो 1/2 टीस्पून आप उसका इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैं हसबे जायका जो नमक है वो डाल रही हूँ, और ये है जैफल, इसको मैं थोड़ा सा, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, ये मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं किस तरह इसमें इसका इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए झटपट सा इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ है हमारी रेडी, इसकी सॉस रेडी करते हैं। अच्छा जी, हम बनाते हैं इसकी सॉस। सॉस बनाने के लिए ये मैंने मक्खन डाला, झटपट सी सॉस बनती है और बहुत मज़े के बनते हैं। ये क्या गया भाई, ओके मक्खन नहीं है, ऑयल है तो ऑयल का इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा सा मक्खन नहीं है तो उसमें नहीं बन सकते। ये मैं प्याज डाल रही हूँ, 2 मिनट तक मैं प्याज को थोड़ा सा नरम करूँगी। अच्छा जी, इसके अंदर मैं गाजर डाल रही हूँ, गाजर को मैं 2 से 3 मिनट तक गाजर को भी इसके साथ पकाऊंगी। अच्छा जी, इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मशरूम्स, और मशरूम के साथ मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन चॉप लहसुन। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा पकाती हूँ, जो लहसुन है ना वो ज़रा अच्छी तरह इसके साथ फ्राई हो जाए, इतना सा मैं पकाऊंगी दोनों को। अच्छा जी, मैंने 2 मिनट तक लहसुन के साथ इसको पका लिया। अब मेरे पास जो मसाले हैं ये देखें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नमक मैं ये इतना ही डाल रही हूँ, आपने हसबे जायका नमक डालना है, और मैं इसको सॉस को थोड़ा स्पाइसी कर रही हूँ, हालांकि ये इतनी स्पाइसी होती नहीं है लेकिन मैं स्पाइसी कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, बस हल्का सा पका के फिर इसके अंदर मैं मैदा ऐड करती हूँ। इसी के साथ मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, इसी के साथ मैदा ऐड कर रही हूँ, हल्का सा मैं मैदे को इसके साथ थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करती हूँ।
कच्चापन मैदे का दूर करना है थोड़ा सा जरूर हमने, मैदा डालते ही दूध और यखनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आप आपका दिल करे आप शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। आंच मैंने कर दी है हल्की हल्की आंच पे, दूध और यखनी तकरीबन 1 kg थी मेरे पास, यखनी 1 कप, दूध 1 कप, इसको थिक होने तक पकाएंगे हम। थोड़ा सा थिक करने के बाद इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, चिकन और ओरिगेनो। नमक जो है आप चख लें, यहाँ पे आपको ज़रूरत है तो आप उसका और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पकाती हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, चिकन, ये देखें इस तरह, क्योंकि चिकन ने भी अब इसको ड्राई करना है थोड़ा सा, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकने दिया। इतनी जबरदस्त सी सॉस, थोड़ा सा ओरिगैनो डालते हैं इसके ऊपर और ये जो जायफल था थोड़ा सा मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकस, थोड़ा सा, ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हल्का सा। अब मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह मिक्स, थोड़ा सा मैं इसको करूंगी थिक। अच्छा जी, ये देखें अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। ये देखें इस तरह थिक हो गए, अब स्टेप 2 करते हैं। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अब मैं लगा रही हूँ ऑयल पतीले में, नॉनस्टिक है तो बेस्ट है, चारों तरफ इसके ना आपने चारों तरफ ऑयल लगाना है। अच्छी तरह, क्योंकि चावल हमने उल्टाने हैं और चावल ताकि इजी निकल आए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल, मैं तो दबा के तह लगाऊंगी। अच्छा जी, ये चावल है, इनको अच्छी तरह दबा लें। केक की तरह बनेंगे, निकालेंगे हम। अच्छी तरह इसके ऊपर मैं लेयर जमा रही हूँ इसकी सॉस की। वन के जी के लिए काफ़ी है, बल्कि 1.5 kg के लिए भी ये सॉस काफ़ी है। अच्छा जी, अब मैं फिर से इसके ऊपर राइस फैला रही हूँ। मेरे पास ग्लास है, मैं ग्लास से कर रही हूँ हल्का हल्का, अब क्योंकि सॉस है नीचे, इसको हल्का हल्का करें। अच्छा जी, एक और लेयर जमाने जा रही हूँ मैं इसके ऊपर,
सॉस बचा लेंगे जो एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे जिसको। ये देखे हो गया। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से फिर चावलों की लेयर जमा रही हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने ग्लास से अच्छी तरह मैंने दबा लिया, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको दबाया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको तवे के ऊपर दम दे रही हूँ, हल्की आंच पे मैं इसको दम दे रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट मैं इनको दम दूंगी ताकि जो चावल हैं, ज़ाहिर है पहले से हमने बॉयल किए होते चावल भी ठंडे हो गए हैं और जो हमने सॉस बनाई है वो भी थोड़ी सी ठंडी है, तो वो भी थोड़ी सी गर्म हो जाए, चावल जो है आपस में चिपक जाए। ये देखिए जी, मैंने दम दे दिया है, नीचे मैंने रखा है तवा, तवे के ऊपर मैंने इसको दम दिया है 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे। अच्छा जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए, चावल ऊपर तक हो गए गरम। आपने चावलों को हाथ लगा के देखना है कि चावल गरम हो गए, चावल हो गए गरम। इधर जो मेरे पास थोड़ी सी सॉस बची थी उसके अंदर थोड़े से पार्ट्स ले, थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ प्याज, थोड़ा सा मैंने जो पीछे वाली साइड होती है सब्ज़ सब्ज़ हरी हरी वो मैंने थोड़ी सी डाली है, और ये थोड़ी सी थिक हो गई थी, ठंडी हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने आधा कप फिर दूध ऐड किया है ताकि मैं ये सॉस जो है मैं चावलों के ऊपर डालूंगी। तो चले इनको राइस को हम निकालते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास जो चावल है इनको उल्टाना भी एक बहुत बड़ा मरहला है। अब मेरे पास है देखिए ये है डिश, इसके ऊपर अगर मैं रखूँ तो भी मेरे लिए मुश्किल थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन मैं बताती हूँ आसान तरीका। मेरे पास ट्रे है, स्टील का ट्रे है, मैं इसकी जो बैक साइड है वो नीचे कर रही हूँ और ऊपर वाली साइड ऊपर करके मैं इसको उल्टा रही हूँ। पहले थोड़ा सा छुरी से ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हम केक को करते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम। थोड़ा सा मेहनत का काम है, अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसमें तो बहुत इजी हो जाता है, मेरे पास नहीं था तो मैं इस पतीले में मैंने किया है, तो आप उसी में ही सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राइस को निकालें इसके अंदर से, उसी के साथ आप सर्व करें, इसी के ऊपर आप सॉस डालें और उसी में ही आप सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसको उल्टाती हूँ इनको। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको उल्टा किया है, उल्टा करके मैं किसी भी चीज़ से डिश ना टूटने पाए, चीनी की डिश है नीचे, हल्का हल्का आप इसको करें जितने चाहिए से हमारे। अब इसको हम निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त, इसको भाप बहुत निकल रही है, 1 मिनट। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले तो मैं आपको पतीला दिखाऊं, मेरे हाथ को अच्छी भली भाप लग गई है, लेकिन आप लोग एहतियात कीजिएगा प्लीज़ अपने हाथ बचा के, क्योंकि जब मैंने इसको उल्टाया है तो वो एक साइड से उठाया तो भाप लगी है। देखिए पतीला बिल्कुल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी कोई नीचे चावल नहीं चिपका हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है यानी कि चावल नहीं जले। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटर हो गया हमारा रेडी, इसके ऊपर मैं अब सॉस डालती हूँ। ओके जी, यमी यमी सी सॉस इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर मैंने धनिया और सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल किया है, आप पहले भी कर ले कोई मसला नहीं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको हम प्लेटर को करते हैं डेकोरेट, थोड़े से चावल भी नजर आने चाहिए। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो गया हमारे रेडी, और ये खाने में भी बहुत मज़े के जितने देखने लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत यम्मी बनते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी मिर्ची कम करना चाहते हैं तो इसका कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सुबह शाम की दुआएं पढ़ना ना भूलिएगा। आजकल फिर से वबा है इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सुबह शाम की जो दुआएं हैं उनको अपना मामूल बनाएं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, किसी भी इस्लामिक सेंटर से आपको मिल जाएंगी, वो बच्चों पे पढ़ के फूके, खुद अपने आप को
अपने अल्लाह की हिफाजत में करें ताकि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे इस बीमारी से, और अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।